वेरी गुड एंड कोल्ड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं स्वागत करता हूँ आपके वो धरती पे जहाँ पे भगवान राम दूल्हा बन के आए थे, वो धरती पे जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, वो धरती पे जहाँ पे भगवान महादेव जो हमारे त्रिकाल है वो स्वयं नौकर बन के आए थे हमारे कवि विद्यापति जी के घर पे, वो धरती पे जहाँ की माछ पान और मखान जो है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथिला का और आप लोग का स्वागत करता हूँ पावन धरती मिथिला में। रात को लगभग मैं 12:30 बजे वहाँ ट्रेन से उतरा दरभंगा स्टेशन पे। दरभंगा स्टेशन से मेरा घर 30-35 किलोमीटर से। मिथिला एक राज हुआ कर, अभी मिथिला जो हार का पार्ट है और इसके अंदर 15-20 डिस्ट्रिक्ट है। मैं उसमें दरभंगा में हूँ जो की सेकेंड कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो मेरा गाँव आने का जो रीजन था यही रीजन था, एक्चुअली मेरी दादी का ये लास्ट वर्सी है। तो आप बने रहो वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। आपको चूरा दही भी खिलाऊंगा, यहाँ पे आपको भोज भी खिलाऊंगा, सब कुछ होने वाला है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहे और मेरे जो अपकमिंग ब्लॉग्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखो जितने भी आने वाले ब्लॉग है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सेकेंड डे है एंड अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग का 5:00 एंड आज मैं 3:00 मॉर्निंग से जगा हुआ हूँ बिकॉज आज जो है ना भोज है। आज जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं प्लस जो गाँव के लोग हैं आज सब खाना खाने वाले हैं मेरे घर पर। तो आप देख रहे हो ये उसी का तैयारी हो रही है, दाल बड़ी बन रहा है एंड इसके बाद मैं जाने वाला हूँ सब्जी मार्केट सब्जी लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। तो मैं सब्जी मार्केट से रिटर्न आ चुका हूँ और टाइम हुआ है मॉर्निंग का 8 बजे यहाँ पे। और भाई क्या एक्सट्रीम लेवल वाली ठंडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाना बनना भी स्टार्ट हो चुका है, ये दाल बन रहा है पहले, और क्या अच्छा सुगंध आ रहा है यार इसका। चलिए मैं आपको दूसरे साइड लेके चलता हूँ, वहाँ पे सब्जी सब बन रहा है। आप लोग को मिथिला का सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ कि आज भी मिथिला में अगर कोई भी सोशल वर्क जो होता है, जैसे कि किसी का अगर शादी हो, चाहे लाइक हम लोग जैसे मुंडन होता है, उपलायन होता है, चाहे कोई श्राद्ध हो, चाहे ऐसे वर्सी वर्सी कुछ भी, जैसे जो सोशल काम हुआ, ऐसे ही काम पता है मिथिला में आज भी हमें आदमी जो है ना भाड़े पर बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए, चाहे उनको सर्व करने के लिए कैटरर्स वगैरह, जैसे कि अपने शहरों से में होता है कि हम कैटरर्स टेंडर दे देते हैं, वही सब कुछ करते हैं। बट आज भी मिथिला में ऐसा कुछ नहीं होता है और सब काम जो है ना लोग खुद करते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग सब्जी काट रहे हैं, कुछ लोग चावल साफ कर रहे हैं, कुछ लोग और काम कर रहे हैं। लाइक जितने भी गाँव के लोग हैं वो अपने आप आते हैं और ऐसे कामों में वो लोग खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज़ है मिथिला का आज भी। और ये जो भोज भी हो रहा है तो गांव में जितने भी कास्ट है सबको इनवाइट किया गया है, सब लोग आएंगे उसमें, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बूढ़े सबको इनवाइट किया गया है। और भोज में क्या क्या बन रहा है आप लोग ऑलरेडी तो देख चुके हो, भात दाल एंड सब्जी दो टाइप की बन रही है, पापड़ है, घी है, जो दाल बड़ी आपने देखा था वो है, फिर सूरन जिसको ओल बोलते हैं हम लोग की लैंग्वेज में, उसका चोखा बन रहा है, घी और पापड़ है, उसके बाद फिर दही है, शक्कर है, ऐसे बहुत सारे रेसिपीज जो है ना बन रहे हैं। तो आगे आप लोग पूरा और देखने वाले हो, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इस जगह को तैयार किया जा रहा है बिकॉज शाम को लोग जो आएंगे खाना खाने के लिए, तो वो लोग यहीं पे बैठने वाले हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ पे हो रहा है, ये हमारे बड़े चाचा जी हैं जो कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिसको पिंडदान हम बोलते हैं, तो अभी ये हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो भी विधि विधान है सब कुछ रखा हुआ है, देख सकते हो साड़ी है, चूड़ी है, और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखा हुआ है। तो फाइनली पिंडदान का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग जो पंडित जी हैं उनको दक्षिणा देने वाले हैं। पंडित जी बोल रहे हैं मम्मी ने उनको कुछ ज़्यादा ही खाना खिला दिया, बहुत सारे रेसिपीज बनाया हुआ था। भाई साहब इसको चलाने में क्या मेहनत लगती है, मैंने दो ही बार तो चलाया है, मैंने बोल दिया कि नहीं हो सकता है मेरे से, तो अभी ये लोग कर रहे हैं एंड इनको अच्छे से इसका टेक्निक पता है कैसे करना है, मैं तो वैसे दो बार किया बस छोड़ दिया। एंड अभी शाम हो गई, यहाँ पे लगभग 5 बज चुका है, खाना भी 90% कम्प्लीट हो चुका है
और ये सब्जी देख रहे हो, ये बैंगन अदरी का सब्जी है जो 1.5 क्विंटल है अप्रॉक्सीमेटली। और ये जो बन रहा है अभी, ये है अपना मिक्स वेजिटेबल्स है जो 4 क्विंटल्स है। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिकॉज लोग जो है ना लगभग 1000 के आसपास आएंगे पूरा मिला के। मोस्टली खाना बन के रेडी हो गया है एंड द फाइनल काम डन स्टार्ट। अभी आएगा मज़ा, अभी चालू होगा भोज जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है सुबह से। तो चलिए इन्जॉय करते हैं साथ में। तो फाइनली भोज स्टार्ट हो चुका है एंड एक चीज़ के लिए मैं पहले आप लोग को सॉरी बोलूँगा बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पे जनरेटर है, लाइट है, स्टिल आप लोग को वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो लगेगा, उसके लिए पहले से सॉरी है। आवाज़ बहुत आएगा बाहर का, लेकिन अगर मिथिला में भोज हुआ और अगर हल्ला नहीं हुआ, आवाज़ नहीं आया तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं भोज कैसा हो रहा है और इन्जॉय करते हैं। आप मिथिला के किसी भी पार्ट में जाओगे ना, ये मिथिला का परंपरा है कि पहले लेडीज़ को खाना दिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले लेडीज़ को सर्व किया जा रहा है। लेडीज़ लोग का खाना देने वाला काम मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। बोलते हैं कि ये जो कंप्लीट होने के बाद 60% जो है ना काम कंप्लीट हो चुका है बिकॉज अभी जो खाने के लिए यहाँ पे आएंगे ना, वो दैट इज़ मोर ईजियर देन कि यहाँ से खाना लेके घर पे जाके खाते हैं। तो चलो एनी हाउ दैट इज़ कंप्लीटेड नाउ। जो खाना खाने के लिए आने वाले हैं अभी वो अलग दूसरे जगह बैठेंगे, चलिए आपको वहाँ पर लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। बात आप देख सकते हो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है। पानी लभी रहा रुक जा आबे छी हम लग दाल दियो रे और एक चीज आपने वीडियो में और नोटिस किया होगा, जितने भी खिलाने वाले हैं कोई भी चप्पल नहीं पहना है, चाहे शूज नहीं पहना है,
एंड अभी मैं बता दूँ यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, नहीं पहनते हैं, ऐसे होता है हमारे कल्चर हमारे मिथिला में। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, लेट नहीं बोल सकते, 9 o'clock हुआ है, बट गांव के हिसाब से ये टाइम ज़्यादा हो गया है। ऊपर से ठंडी है, फॉग आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फॉग लगा है यहाँ पे, तो जिसके वजह से ये जो आप देख रहे हो 4th time इतने लोग बैठ रहे हैं। स्टार्टिंग का जो 3 बार पहले बैठा है उसका वीडियो मैं नहीं बना सका बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था, तो मैं उस सब मैनेज करने में बिजी था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया जो स्टार्टिंग वाला 2-3 बार जो बैठे लोग, बट मैं इस टाइम बना रहा हूँ, ये 4th time बैठ रहे हैं देख रहे हो आप लोग, और देख सकते हो कितने अच्छे से सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे। गोवा के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज ये चीज़ मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। कंट्री के किसी भी पार्ट से हो, जब आप अपने गांव या अपने नेटिव प्लेस या चाहे अपने कल्चर को आप कहीं देखते हो ना, वो चीज़ें जब आपको रिकॉल होती है, चाहे उसमें कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे देखिए मैं चीनी बांट रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा खाना बच गया है, अब इतना ज्यादा खाना बच गया है कि पूरा गांव एक बार फिर से खा सकते हैं, इतना ज़्यादा खाना बचा हुआ है। बट ठीक है, कोई नहीं, सुबह में देखते हैं, उनको किसी को दे देंगे, लेकिन देंगे किस गांव में जितने भी कास्ट है सबको, जितने भी उसके फैमिली मेम्बर हैं सबको इनवाइट किया गया था, तो ऑलरेडी उन लोगों ने खाना खा लिया, बट देखते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि ठंडी का टाइम है खाना ख़राब नहीं होगा, तो मॉर्निंग में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और आगे जो अपकमिंग ब्लॉग्स हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।